हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे ठीक ठीक है स्टूडेंट लोग। अभी जैसे हम लोग आ गए थे नीचे अपने क्लासरूम के पास, तो चलते हैं क्लासरूम। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग का क्लास हो चुका है कैंसिल। सूरज सर अभी कॉलू भी है, इंजीनियर बना चुके हैं इस चीज़ को हमारे। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं पैदल ही, क्योंकि ना तो जैसा कि दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ट्राइबल विलेज में। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। तो गाइस अभी चलते हैं और नाश्ता करके आते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या ही करना है। मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा था, तो इधर देखिए हमारे कुछ एग्रीकल्चर स्टूडेंट लोग अभी अपना मेहनत सुपर सुपर से ही मेहनत कर रहे हैं। इतना सुपर आ चुके हैं अपना काम करने। देख लो यार, तो हाँ गाइस निकलते हैं अपने रूम से और चलते हैं नाश्ता करके आते हैं। तो निकल तो फाइनल दोस्त हम लोग पहुँच चुके हैं अपना, सो लेते हैं नाश्ता। नाश्ता करते हैं और यहाँ से निकलते हैं नाश्ता लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, जैसे अभी हम लोग नाश्ता करके अपने हॉस्टल आ गए हुए थे, तो हॉस्टल तो आ गए हैं। तो अभी 11:30 से हम लोग क्लास है सूरज सर का। देखते हैं सूरज सर क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्लास अटेंड करते हैं और आपको विलेज एक्सप्लोर करेंगे। मेरे सेंचुरी यूनिवर्सिटी का एक विलेज है ट्रैवल विलेज, उधर जाना है और आपको एक्सप्लोर करना है आज ट्रैवल विलेज का मज़ा। तो चलते हैं और देखते हैं अभी क्या ही होता है, और क्लास अटेंड करते हैं और शाम में विलेज चलना है। तो फाइनली गाइस हम लोग ड्रेस व्रेस पहन के रेडी हो चुके हैं ना वहाँ के, तो निकलते हैं क्लास। क्लास से आते हैं तो फिर आपको शाम में ले चलना है ट्राइबल विलेज। तो आपको दोस्तों तो शाम में निकलेंगे ट्राइबल विलेज, तो देखिएगा क्या ही है क्या नहीं है, वीडियो कैसा लगा जरूरी बताइएगा कमेंट करके। चलिए अभी क्लास चलते हैं और देखते हैं क्या ही हो रहा है, और शाम में चलना है ट्राइबल विलेज। हम लोग आ गए थे नीचे अपने क्लासरूम के पास, तो चलते हैं क्लासरूम और देखते हैं कि सर आए कि नहीं आए, और क्लास करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग का क्लास हो चुका है कैंसिल। सूरज सर अभी कॉल करके बोल रहे हैं कि तुम लोग का क्लास कैंसिल है, तो आ जाओ लैब में। तो लैब ले रहे हैं, क्लास कैंसिल कर दिया है ना यार, क्लास कैंसिल लैब होगा ना। तो लैब अभी जा रहे हैं हम लोग और बढ़ रहे हैं। तो अभी देख लो आप कितना ही धूप है, गर्मी है इधर। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग को प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर तो बड़े हैं आगे, देखते हैं प्रिंसिपल सर अच्छे अच्छे स्माइल लेके जा रहे हैं। हम लोग लैब में आ गए, तो अभी हम लोग लैपटॉप पे काम करना है, इसलिए आपको दिखाते हैं क्या चीज़ हम लोग काम करना है और हम लोग काम करते हैं। इंजीनियर बना चुके हैं इस चीज़ को हमारे गोलू भैया, इस चीज़ को बनाया है। आपको इस चीज़ को हम ब्लॉग में जरूर दिखाएंगे और गोलू भैया को सपोर्ट करिएगा। तो गोलू भैया का सपोर्ट कीजिए और गोलू भैया को आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। ये हमारे गोलू भैया और ये सपोर्ट करवा, हमारे गोलू भैया का एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट हुआ और यहाँ पर आ गया है मुसाफिर जाने वाले। तो हम लोग का आज एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट होता है और इस प्रकार देख लीजिए कितना झंझट है भाई, देंगे आज आज गोलू भैया फेमस। हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग का क्लास खत्म हो चुका है, तो अभी आपको सुबह मैम ने बोला था कि आपको हम ले चलेंगे ट्रैवल विलेज। तो अभी चलते हैं ट्रैवल विलेज और चलते हैं और देखते हैं ट्रैवल विलेज में क्या क्या है, और आपको दिखाते हैं और थोड़ा इंजॉय करते हैं, और क्या ही करना है इधर। तो चलते हैं ट्रैवल विलेज और देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं पैदल ही, क्योंकि ना हमारे पास बाइक है ना साइकिल है, तो पैदल ही जाना पड़ता है। और इधर फार्म बन रहा है, तो बहुत सारा फार्म है इधर, आप देख पा रहे होंगे, इधर देख रहे हो, इधर इधर तो कुछ घर वर है, कुछ पढ़ते वढ़ते बच्चे लोग हैं और खेती वेती हो रहा है, बट इधर फार्म फार्म है विलेज तरफ। और चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। ओहो शनम, इतना चाहेंगे तुझको चाहेंगे।
हम लोग चलते चलते पहुंच चुके हैं ट्रैवल विलेज। तो चलिए दोस्तों ट्रैवल विलेज में एंट्री लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या ही होता है यहाँ पे। और यही हमारा देखिए यहाँ पे ट्रैवल विलेज। चलते हैं और दिखाते हैं लिव स्टॉक फार्म कॉम्प्लेक्स। आप देख लो दोस्तों और चलते हैं दोस्तों। तो इन जैसा कि दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ट्राइबल विलेज में। तो चलिए आपको एक्सप्लोर करते हैं इधर। तो इधर तो बहुत सारे फार्म देखने को, पोल्ट्री फार्म देखने को मिल रहे हैं। पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म यूनिट 1, पोल्ट्री फार्म यूनिट 2, बकरी फार्म, यही सब है। स्पीड एंड क्या ही गॉड उड जो भी है वो इधर ही है, रहते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और आप भी मज़े लें, हम भी मज़े लेते हैं सिनेमैटिक्स का। और गाइस आप लोग आते हो वीडियो देख के चले जाते हो, वीडियो भी नहीं देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ ना कर दो यार। ये देसी मुर्गी का पोल्ट्री फार्म है। तो आप देख पा रहे हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना मस्त बनाया हुआ है। ऊपर से एयर वर निकलने का आर्टिस्ट, इसमें तो मुर्गी मरे हुए रहेंगे नहीं, बचे रहेंगे। तो देख रहे हो आप कितना सेवा होता है इधर। तो चलिए आगे दिखाते हैं इधर, देख रहे हो आप कितना मस्त सा क्या इधर बना हुआ है, कुछ भी घर घर टाइप में प्लस उधर कुछ भी है। और इधर हम लोग का ड्रेस होता है, इधर कुछ फंक्शन होता है, कुछ भी फंक्शन होता है तो इधर ही होता है। और सभी लोग आते हैं, एक ऐसा गजज्योति फेस्टिवल आता है दोस्तों, जो इधर लोग आते हैं अपना फेस्टिवल मतलब उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। और चलिए और दिखाते हैं आगे क्या क्या है। तो गाइस ये हम लोग का ट्रैवल विलेज है, आप देख पा रहे होंगे ना मस्त, कुछ मस्त मस्त सब चीज़ है। साइकिल, किट फार्म, बकरी फार्म, गाय, भैंसी सब कुछ है इधर दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इधर इधर आके ये सब वाइब देख के। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये सब आप ये ज़रूर कमेंट में बताना। तो चलिए जो बचा हुआ है उसको एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ये क्या है मुझे खुद भी पता नहीं है कि ये क्या है, बट आप लोग देख लो कुछ काव एंड बफेलो यूनिट। हाँ बोल रहे ना गाइस, इधर गाय भी रहते हैं बच्चे भी रहते हैं। तो इधर यही है, इधर लिव स्टॉक फार्म है कॉम्प्लेक्स। यहाँ वही गायों को सेवा हुआ करने वाले लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा खासा व्यवस्था किया गया है। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए गाइस और अंदर दिखते हैं गाइस। ये हम लोग का कुछ है इधर, तो कोई कुछ दिख नहीं रहा है दोस्त, बट ये है। और इधर घर है, उधर भी घर है, उधर भी आदमी सो रहे हैं, इधर कुछ वाशरूम वगैरह वगैरह है। और गाइस हम लोग कुछ भी वो गजज्योति पूजा वूजा होता है फेस्टिवल वेस्टिवल तो इधर नहीं होता है गाइस। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये हम लोग का ट्रैवल विलेज है, सीट एंड गॉट यूनिट, सीप एंड गोडी मतलब वही भेड़ और बकरी के लिए वो उधर रहता है। और ये हम लोग का वही प्लेस है, फंक्शन प्लेस, यहाँ पार्टी वार्टी डांस वगैरह वगैरह अच्छी चीज़ होता है। तो उसको चलते हैं और इधर पीछे में देख सकते हो आप इतना अमेजिंग पार है, आप इसको जाके उधर घूमना बनाया यहाँ पे। तो चलते हैं दोस्त और करते हैं इधर।
फाइनली गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने रूम के लिए। तो मतलब क्या ही बताऊँ, मैं फर्स्ट टाइम किसी जगह को एक्सप्लोर किया हूँ, वो भी माय फर्स्ट मतलब ये ब्लॉग में। तो आप लोग देखना और ज़रूर से ज़रूर ये बताना कि कैसा लगा। मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा, आप लोगों का जवाब का कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने हॉस्टल चलते हैं अपने हॉस्टल और देखते हैं अब क्या ही होगा। फाइनली दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं अब ट्रैवल विलेज से और चलते हैं अपने हॉस्टल। और क्या ही करूँ मैं, क्लास एक क्लास है 2:30 में, तो क्लास भी करना है, तो चलते हैं हॉस्टल। फाइनली गाइस हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, चलते हैं। और हम लोग यहाँ पे CRC2 बिल्डिंग के पास भी पहुँच चुके हैं। निकल मतलब जल्दी ही चलते हैं अपना हॉस्टल और चलते हैं आपको हॉस्टल पे ले चलते हैं। उसके बाद 2:30 में मेरा क्लास है, हम क्लास आएंगे और देखते हैं उसके बाद क्या ही होता है। तो चलो गाइस लेट्स गो। तो हाँ दोस्तों हम लोग CRC1 के पास पहुँच चुके हैं, अपने हॉस्टल पहुँचने वाले हैं, तो चलते हैं पहुँचते हैं हॉस्टल। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हुए थे अपने हॉस्टल। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके कमेंट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।